वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को मैं कहूँगी उर्दू में ज़माना हाल जारी, एक्टिव वॉइस को फेल मारूफ और पैसिव वॉइस को फेल मजहूल। इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में हमारे पास क्या आ जाता है, जिन जुमलों में मौजूदा वक्त में किसी काम के जारी रहते और होते रहने की बात मालूम होती हो, ठीक है। कोई काम जो है वो जारी है, वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ, ठीक है, या पैसिव वॉइस का बनाए तो उसमें किसी काम के किए जाने, भाई वो अभी किया जा रहा है, हो रहा है, ठीक है। इसके बाद इसके संबल्स क्या है, इसकी पहचान हमारे पास कैसे होगी, जिन उर्दू फिक्रात के लास्ट पे किया जा रहा है, किए जा रहे हैं, की जा रही है आता हो, वो जुमले हमें पता चल जाएगा ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हैं और ये एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में जब हम जाएंगे तो हमारे पास किया जा रहा है, किए जा रहे हैं, की जा रही है, ये आएंगे जुमले, ठीक है। जब हम सिंपल एक्टिव वॉइस टेंस सेंटेंस में होंगे उसमें हमारे पास रहा है, रही है या रहे हैं आएगा। और जैसे ही हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास उर्दू में इसकी पहचान बता रही है, उर्दू में फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, किया जा रहा है, किए जा रहे हैं, की जा रही है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की। इमदादी फेल्स हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें तीन इमदादी फेल्स आएंगे, इज, एम और आर। इसके साथ हम लोग यूज करेंगे बींग, ठीक है। जैसे ही एक्टिव से पैसिव वॉइस में जम जाएंगे, जुमले को कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स के साथ इज, एम, आर के साथ हम लोग यूज करेंगे बींग, बींग का इजाफा करेंगे, ठीक है। ये बात अपने माइंड में रखनी है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब्स के साथ बींग का इजाफा होगा। अच्छा, अब हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज होंगे। Is being used होगा ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक हो गया, ठीक है। आर बींग यूज होगा वी, यू, दे और प्रोनाउन के साथ। अब सिंगुलर नाउन में हमारे पास आ जाता है जैसे सना, ठीक है, शेरी हो गया, सना हो गया, ये अगर सना जस्ट सना है तो वो सिंगुलर प्रोनाउन है। अगर सना और शेरी दोनों की बात करेंगे इकट्ठा किसी जुमले में हम जिक्र कर देंगे शेरी एंड सना, तो वो प्रोनाउन हो जाएगा। उसमें वही के साथ हम आर बींग यूज करेंगे, यू के साथ, दे के साथ और पूर्ण नाम के साथ। इसके बाद एम बींग यूज होगा आई के साथ, आई के साथ जस्ट हम एम बींग यूज करेंगे, ठीक है। इसमें मैंने आपको बता दिया इस बींग कहाँ यूज होगा, किन सब्जेक्ट के साथ, आर बींग किन सब्जेक्ट के साथ यूज होगा और एम बींग किन सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फार्मूलाज, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी एक्टिव वॉइस जुमलों के जो फार्मूले हैं और पैसिव वॉइस जुमलों के जो फार्मूले हैं, ठीक है। सबसे पहले आप एक्टिव वॉइस सेंटेंस की बात करें, सिंपल जो सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस, उसका हमारे पास क्या फार्मूला है। सबसे पहले हमारे पास आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से, इज, एम और आर, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी जैसे कि हमने पीछे टेंसेस में जब जो भी कंटीन्यूअस टेंस आता था उसमें मैं आपको ये बात बार बार बताई है कि जहां पे भी आई एन जी का इजाफा होगा वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। इस तरह यहाँ पे भी ऐसे हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है और साथ में आई एन जी, ठीक है। इस तरह अगर हम एक्टिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंस की बात करें उसमें हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट कहाँ यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के दरमियान में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, इज, एम या आर जो भी आएंगे हेल्पिंग वर्ब वो सेंटेंस के स्टार्ट में यूज होंगे। इसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट यूज होगा। इसके बाद नेगेटिव भी और इंटरगेटिव भी, इसको हम नेगेटिव प्लस इंटरगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब उसी तरह जैसे इंटरगेटिव सेंटेंस में यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब जुमले के स्टार्ट में सब्जेक्ट से पहले, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट। यहाँ पे क्या होगा कि सब्जेक्ट के बाद हम नॉट यूज करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के दरमियान में नॉट आ जाएगा। सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट और जुमले के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। ये था मेरे पास एक्टिव वॉइस सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। उनके सबका मैंने आपको फार्मूलाज बता दिया, नेगेटिव, इंटरगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटरगेटिव, कि इनके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस की। इसमें इसका जो सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, उसका हमारे पास फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट सबसे पहले, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर प्लस बींग। अब ऊपर मैंने आपको पीछे बताया था कि बींग यूज होगा जब पैसिव वॉइस में जाएंगे हम, तो हमारे पास
हेल्पिंग वर्ब के साथ बींग यूज होगा। जहां पे भी हेल्पिंग वर्ब आएगा उसके साथ बींग का यूज मस्ट होगा, और ये कहाँ होगा, जहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, जहां पे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा वहां पे हेल्पिंग वर्ब के साथ बींग का यूज होगा। पैसिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मैंने आपको रूल्स में बात बताई कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी हमेशा। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय यूज होगा और ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, सब्जेक्ट यूज होगा, इसके बाद इज, एम और आर प्लस नॉट प्लस बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें नॉट कहाँ यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब एंड बींग के दरमियान में। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर हेल्पिंग वर्ब के साथ बींग यूज होगा, लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंस में जाएंगे तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज, एम और या आर के बाद नॉट यूज होगा और इसके बाद बींग यूज होगा। इसके बाद पैसिव वॉइस इंटरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमले, इसका क्या फॉर्मूला होगा, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जुमले के स्टार्ट पे आ जाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट यूज होगा, सब्जेक्ट के बाद बींग यूज होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब जुमले के स्टार्ट पे आगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ गया, अब सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे बींग यूज हो रहा है। वैसे सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ बींग यूज हो रहा था। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के हेल्पिंग वर्ब जो है उसके और बींग जो कहाँ यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ रहा है, उसके बाद बींग यूज हो रहा है। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब जुमले के स्टार्ट पे आ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट यूज हो रहा है और उसके बाद बींग यूज हो रहा है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट और जुमले के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा, इसमें जस्ट नॉट का यूज करना है, ठीक है, नेगेटिव का शामिल करना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब जुमले के स्टार्ट पे आ जाएंगे, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, प्लस बीइंग, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया। इसके बाद हम अगर बात करते हैं डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स की, ठीक है, डब्ल्यू एच फॉर डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा। इसमें सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड, इसमें हमारे पास आ जाते हैं व्हाट, वेयर, हु, हाउ, ठीक है, ये जुमले आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले हम यूज करेंगे अगर हमारे पास यहाँ पे व्हाट, वेयर, जहां पे भी अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस में आ रहा है, जुमले के स्टार्ट पे व्हाट, व्हाई, वेयर है, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स आ रहे हैं, तो पैसिव वॉइस में भी हमारे पास जुमले के स्टार्ट पे ही आएंगे। इसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये जुमला आपने लाजमी याद रखना है, अपने माइंड में रखना है फार्मूला, कि इसमें क्या होगा कि हेल्पिंग डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स आएगा सबसे पहले, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारे पास हु आ जाता है, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, हु अगर हमारे पास आ जाएगा तो हम यहाँ पे बाय होम लगाएंगे, बाय होम जुमले के स्टार्ट पे आ जाएगा। बाकी जहां पे भी डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड यूज होंगे वो जुमले के स्टार्ट पे आएंगे और इसके बाद हेल्पिंग वर्ड यूज होगा। इसके बाद हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगी पॉजिटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके बताऊंगी कैसे करना है, उन्हीं फार्मूलाज के तहत, जो पीछे मैंने आपको सारे फार्मूलाज बताए हैं उन्हीं फार्मूलाज के तहत मैं कन्वर्ट करूंगी। इन फार्मूलाज को अपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस बनाऊंगी, नेगेटिव सेंटेंस बनाऊंगी, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाऊंगी और नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव एंड डब्ल्यू एच फैमिलीज। ठीक है, ये सेंटेंस अभी मैं बनाऊंगी एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल्स और पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल्स। ठीक है, उससे पहले आपने, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको टेबल बना के बताया था, बल्कि पिछले दोनों लेक्चर में मैंने आपको बताया था टेबल बना के, टेबल वन एंड टेबल टू। ठीक है, उसमें मैंने आपको तरतीब से सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में कन्वर्ट करके बताए थे, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आई जो है वो एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्रोनाउन में जाके, जब पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, आई बाय मी, शी होगा तो बाय हर, ही होगा तो बाय हिम, वही होगा तो बाय अस, दे होगा तो बाय देम। ठीक है, इट होगा तो बाय इट, यू होगा तो बाय इट यू। ठीक है, दूसरे जो टेबल था उसमें इसी टेबल को हमने उल्ट कर दिया था। ये टेबल आप अपने माइंड में रखना है, ये आपको मैं इसलिए बार बार बताती हूँ कि आपको सही तरह से याद हो जाए, क्योंकि यही रूल्स बार बार अप्लाई होंगे। अच्छा, अभी हम सबसे पहले एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहली एग्जाम्पल है कि आई एम राइटिंग अ लेटर। इसमें सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है कि आई जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में किसमें कन्वर्ट हुआ था, मी में, बाय मी में। ठीक है, राइटिंग है, ठीक है, राइटिंग जो है वो यहाँ पे राइटिंग आ रहा है, यहाँ पे वर्ड की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी का इजाफा हो रहा है, लेकिन पैसिव वॉइस में जाएगा तो वर्ड की थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह। कैसे होगा,
यहाँ पे आई जो है वो सब्जेक्ट है और अ लेटर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आई क्या है? सब्जेक्ट और लेटर ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में जब हम जाएंगे तो जुमला कैसे कन्वर्ट करेंगे? अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, एक तो इसमें बीइंग का इजाफा होगा हेल्पिंग वर्ब के साथ, और दूसरा से पहले हम कौन सी चेंजिंग करेंगे? अ लेटर जो ऑब्जेक्ट था हमारे पास एक्टिव वॉइस में वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आ गया, सब्जेक्ट की जगह आ गया। अब सब्जेक्ट, इसके बाद हमने फार्मूले में क्या देखा था? हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आ गया, आ लेटर है, सिंगुलर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इज लगाया है। हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद मैंने आपको बताया था बीइंग लगाना है, आ लेटर इज बीइंग, ठीक है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म किसकी बनेगी? राइट की थर्ड फॉर्म क्या है? रिटन। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, बाय यूज हुआ, इसके बाद आई था, आई जब उसमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में कन्वर्ट होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास? बाय मी, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। समझ आ गई आपको? इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, आई एम रीडिंग अ बुक। अ बुक पहले चला जाएगा, अ बुक इज, बुक भी सिंगुलर है, बुक इज बीइंग रीड बाय मी। अब यहाँ पर रीड की थर्ड फॉर्म क्या? रेड। अ बुक इज बीइंग रेड बाय मी। Shari is singing a song. A song is being sung by Shari. Singing, sing की थर्ड फॉर्म क्या है? Sung. बाकी उसी फार्मूला के तहत हमने कन्वर्ट कर लिया। My boss is sending an email is being sent by my boss. अब send की थर्ड फॉर्म हमारे पास send आ गई, ठीक है। बाकी उसी फार्मूला के तहत हमने passive voice में जुमले को कन्वर्ट कर लिया। Email जो है वो सिंगुलर है, एक email है, इसी हमने यहाँ पे is लगाया। I am calling her. She is being called by me. Her जो है, अब ये second table की example है। Her हमारे पास आ रहा था, तो जब इसमें convert हुआ she में आ गया, her से she जो है वो singular noun है, इसलिए हमने यहाँ पे singular pronoun है, इसलिए हमने यहाँ पे is लगाया। She is being called, call की third form, called by me, ठीक है। इसके बाद he is calling, cleaning the teeth. The teeth are being cleaned by him. अब teeth जो है वो दांत साफ करे, दांत जो जहर से बात हो, एक दांत का नहीं सब दांतों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। दांत जो प्लूरल है ज्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पे आर लगाया। The teeth are being cleaned by him. Clean की थर्ड फॉर्म हमारे पास cleaned आ गई। You are eating apples. अब apples are being eaten by you. Apples ज्यादा है, प्लूरल में है, इसलिए हमने यहाँ पे आर लगा दिया। Apples are being eaten by you. ठीक है, यू में ही रहेगा। इसके बाद शी इज वॉशिंग क्लॉथेस, द क्लॉथेस आर बीइंग वॉश्ड बाय हर। क्लॉथेस ज्यादा है, इसलिए जो है प्लूरल में, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने आर लगा दिया। वॉश की थर्ड फॉर्म, वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड बाय हर, शी से हमने हर में कन्वर्ट कर दिया। बिलाल इज स्पीकिंग ट्रूथ, ट्रूथ इज बीइंग स्पोकन बाय बिलाल। स्पीक की थर्ड फॉर्म हमारे पास स्पोकन आ गया, ठीक है। बिलाल जो है वो सिंगुलर नाउन था, इसलिए हमने यहाँ पे इज लगा, जो है वो बिलाल ही यूज किया, और ट्रूथ एक सच है, इसलिए यहाँ पे एक सिंगुलर की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे इज लगा दिया, ठीक है। ये थी हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस की एग्जांपल्स। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, मनफी जुमले। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंसेस का पीछे मैंने आपको फार्मूला क्या बताए थे, ठीक है। एक्टिव वॉइस का फार्मूला मैंने आपको बताया था, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज होगा, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस का बताती हूँ आपको बाद में। सबसे पहले एक्टिव वॉइस का अगर एग्जांपल हम देखें, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, इसमें आई हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है, एम हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट का यूज किया है। राइटिंग, राइट हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस आईएनजी, अ लेटर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी, ठीक है। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, पैसिव वॉइस में नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला था हमारे पास, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नॉट, नॉट के बाद बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अ लेटर ने, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, इसने सब्जेक्ट की जगह ले ली, ठीक है। इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया। अब यहाँ पे अ लेटर एक सिंगुलर जो है वो नाउन है, ठीक है, सिंगुलर है, इसी यहाँ पे हमने इज का इस्तेमाल किया। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या आया? इज। अ लेटर इज नॉट, नॉट यूज हुआ, बीइंग रिटन, रिटन वर्ड की थर्ड फॉर्म, बाय मी, आई से हमने मी लिया, आई जो है वो मी में कन्वर्ट हो गया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में जाकर। सेकंड एग्जांपल हमारे पास, वी आर नॉट टेकिंग टी, टी इज नॉट बीइंग टेकन बाय अस। टी जो हमारे पास सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज यूज किया। टेकिंग का
थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, टेकन, और अस वही हमने कन्वर्ट किया अस में, ठीक है. शी इज नॉट टेकिंग मील, मील इज नॉट बींग टेकन बाय हर, ठीक है. मील हमारे पास एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पे इज यूज किया. मील इज नॉट बींग टेकन, टेकिंग की, टेक की जो थर्ड फॉर्म है हमारे पास टेकन है, और हर शी से हमने लिया जब हमने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में कन्वर्ट किया. इसके बाद शेर इज नॉट सॉल्विंग द सम्स, द सम्स आर नॉट बींग सॉल्व बाय शेरी. अब यहाँ पे देखें सम्स प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर यूज किया. नॉट बींग सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व बाय शेरी, शेरी इसका हमारे पास आ गया. इसके बाद हमारे पास है इंटरगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले. इसकी एक्टिवाइज की अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, एम आई राइटिंग अ लेटर, ठीक है. इसमें अ लेटर जो है हमारे पास सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब क्या यूज की, इज. फार्मूला मैंने क्या बताया था आपको, हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो जुमले के स्टार्ट पे आ जाते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट यूज होता है. सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमारे पास अ लेटर, सब्जेक्ट के बाद बींग, रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय मी, और जुमले के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क. आर दे टेकिंग टी, इज टी बींग टेकन बाय देम. अब देखें आर यूज हुए यहाँ पे, और यहाँ पे इज क्यों यूज हुआ, क्योंकि टी जो है वो सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब यूज की, ठीक है. इसके बाद टी, टी के बाद बींग, और इसके बाद टेक की थर्ड फॉर्म टेकन बाय देम, दे से हमने देम लिया, ठीक है. टेबल्स को अगर आप अपने माइंड में रखें तो इसको आप आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी. इसके बाद इज ही रिसाइटिंग द होली कुरान, इज द होली कुरान बींग रिसाइटेड बाय हिम, ही है, ही हिम में कन्वर्ट हो गया. और इज हमारे पास क्यों यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पे होली कुरान, एक होली कुरान सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे होली कुरान के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब इज यूज किया. इसके बाद आर दे रीडिंग बुक्स, आर बुक्स बींग रेड बाय देम. अब यहाँ पे बुक्स जो है वो प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर यूज किया, रीड की थर्ड फॉर्म रेड बाय देम, दे से हमने देम लिया, ठीक है. ये मेरे पास नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स थी. इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नेगेटिव प्लस इंटरगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है. इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं. सबसे पहले एग्जांपल एक्टिव वॉइस की, एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर. इसमें अगर एक्टिव वॉइस को देखिए तो इसमें हमारे पास फार्मूला में हमने बात की थी कि सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, इसके बाद हम सब्जेक्ट को यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगाना है, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क. ठीक है, जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे जुमले को, उसमें हम क्या करेंगे, इज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय मी. अब इज यहाँ पे यूज क्यों हुआ, इज भी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हमने अ लेटर, जब अ लेटर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो अ लेटर जो है वो यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे इज लगाया. अ लेटर Not being written by me. पैसिव वॉइस में जो हमने फार्मूला देखा था, उसमें हमने क्या देखा था कि सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, इसके बाद बींग यूज होगा, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और ऑब्जेक्ट और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क. मी है, मी कहाँ से आया, आई यहाँ पे यूज हो रहा है, आई जो है वो वहां पे जाके मी में कन्वर्ट हो गया. सेकेंड एग्जाम्पल हम देखें, आर दे नॉट टेकिंग टी, ठीक है. इज टी नॉट बींग टेकन बाय देम. अब देखें टी जो है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब इज लगाया, ठीक है. बाकी उसी फार्मूले के तहत जुमला सेट हो गया है. यहाँ पे देम दे से आया, दे वहां जाके देम में कन्वर्ट हो गया टेबल के मुताबिक. आर दे नॉट रीडिंग बुक्स, आर बुक्स नॉट बींग रेड बाय देम. एम आई नॉट चीटिंग माई टीचर, इज माई टीचर नॉट बींग चीटेड बाय मी. Is he not reciting the Holy Quran? Is the Holy Quran not being recited by him? यहाँ पे जिस तरह पीछे हमने interrogative sentences देखे उसी तरह है. जब just हमने यहाँ पे क्या changing करनी है कि यहाँ पे Holy Quran जैसे Holy Quran और being, Holy Quran यहाँ पे हमारे पास subject आ गया और being subject और being के दरमियान में हमने यहाँ पे not लगा देना, ठीक है. ये थी हमारे पास negative plus interrogative sentence की example. अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है. इसको हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं.
इसी अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, एक्टिव वॉइस की एग्जाम्पल लेती हूँ, वेयर आई एम राइटिंग अ लेटर। अब देखिए वेयर हमारे पास डब्ल्यू एच फैमिली का एक वर्ड है, ठीक है। इस एक्टिव वॉइस के हमने अगर पीछे फार्मूला चेक करें, उसमें हमने क्या देखा था कि जहाँ पे भी अगर डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स आएंगे, अगर इंटरगेटिव सेंटेंस में डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो वो जुमले के स्टार्ट पे ही यूज होंगे, चाहे वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो चाहे वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो, ठीक है। अभी ये सेंटेंस वेयर एम आई राइटिंग अ लेटर, ठीक है, इसका पैसिव वॉइस में जाएगा तो वेयर इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी। अब देखें वेयर उसी तरह जुमले के स्टार्ट पे यूज हो रहा है, ठीक है। इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, ठीक है। अ लेटर सब्जेक्ट यूज हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय मी, ठीक है। मी अब यहाँ पे आई से हमने लिया है, आई जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन था, वहां पे जाके ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आई से मी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जैसे हु इज कॉलिंग यू, बाय होम आर यू बीइंग कॉल्ड। अब देखें यहाँ पे मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताया था और मैंने कहा था कि आपने बिल्कुल याद रखना है, इसको भूलना नहीं है कि डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड में से है तो ये भी डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड का एक वर्ड ही, लेकिन जहाँ पे हु यूज होगा जिस जुमले में वहां पे हमने पैसिव वॉइस से जुमले के स्टार्ट पे बाय होम यूज करना है, ठीक है, बाय होम लगा देना है, ठीक है। हु इज कॉलिंग यू, बाय होम आर यू बीइंग कॉल्ड। बाय होम आर हमने यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि हमने हमें पता है कि यू जो है वो यू के साथ हमने हमेशा आर ही यूज करना है। बाय होम आर यू बीइंग कॉल्ड, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल। व्हाई इज ही राइटिंग अ लेटर, व्हाई इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, ठीक है। व्हाई उसी तरह यूज हो रहा है, ठीक है। अ लेटर इज यहाँ पे क्यों यूज है, क्योंकि अ लेटर एक सिंगुलर है, बीइंग यूज हुआ राइट की थर्ड फॉर्म रिटन By him, he से him. Who is making a noise? By whom is a noise being made? ठीक है, यहाँ पे भी who से by whom. Is a noise है, singular है, इसलिए यहाँ पे is use हुआ, being made की third form हमारे पास आ जाती है made. ठीक है, ये आज हमने बात की present continuous tense के बारे में, उसके active voice और passive voice बनाए, उसके मैंने आपको symbols, formulas और सारे structure बता दिया, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, उसके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे तो वो कैसे बनेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।